आपकी निगाहों से गुजरता है कि आज फलां साहब का इंतकाल हो गया, फलां साहब
लेकिन इसके बावजूद हम अपनी मौत को खुला देते हैं कि एक दिन हमें भी मरना है। मौलाना मुत्तकियान ताज्जुब से ये फरमाते हैं कि अजीब तो मुझे ताज्जुब है इन लोगों के ऊपर, लमन नसियल मौत, जो जो मौत को भुला देते हैं। दरहाली के बहुआ यल मौत, जबकि वो मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है, वो मुर्दों को अपनी आंखों से देख रहा होता है, लोगों के कंधों पर जनाजा उठते हुए अपनी आंखों से देख रहा होता है, फिर भी वो मौत को भुला देता है, जिसके नतीजे में गुनाहों का वो शिकार होता है। और एक दूसरे मकाम पर पैगंबर खतीमत पर फरमाते हैं कि सबसे बड़ा चालाक इंसान वो है जो रोज़ाना कम से कम 20 मरतबा मौत को याद करे। मिनिमम जो है 20 मरतबा मौत को याद करना है। क्यों? इसलिए कि इंसान जब भी मौत का तसव्वुर आता है तो गुनाह का तसव्वुर उससे खत्म हो जाता है, गुनाह से डरता है। हमारे तकवे को मजबूत करने का, मुकम्मल करने का एक तरीका कुरान और रिवायत की रोशनी में मौत की याद है। अगर हमारा तकवा मजबूत ना हुआ तो यकीनन फिर हम गुनाहों से बाज नहीं आएंगे। हम में से कौन है जो नहीं जानता कि जानबूझकर नमाज कज़ा करना गुनाह है, लेकिन फिर भी हमसे आसानी से नमाज कज़ा हो जाती है? क्यों? हम में से कौन नहीं जानता कि रोज़ा रखना वाजिब है, रोज़ा कज़ा करेंगे तो कफ़ारा होगा, 60 गुलामों को आज़ाद करो, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या 60 रोज़े रखो। हमें मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे खासे सेहत के होते हुए भी हम रोज़ा नहीं रखते। क्यों? वजह यह है कि हमारा तकवा मजबूत नहीं है। हमें इल्म है, हम जानते हैं, मालूम है, लेकिन फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आते। उसकी तनहा वजह यह है कि हमारा तकवा, हमारा खौफ़ खुदा जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह के अज़ाम से हमें डरना चाहिए वैसे हम डरते नहीं हैं, लिहाजा गुनाही के मुकाबले में हम जरी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहरहाल बीमारों के लिए छूट नहीं है, वो एक अलग मरहला है, लेकिन इंसान जो है बहुत कुछ जानते हुए भी, बहुत सारी चीज़ों का इल्म रखते हुए भी, इल्म के होते हुए भी वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। सबको मालूम है कि गीबत हराम है, लेकिन आसानी से गीबत करता है। सबको मालूम है कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा में से है, लेकिन फिर भी इंसान मसलहत की खातिर हो या छोटे से छोटे फायदे की खातिर हो इंसान झूठ बोलता है। उसकी वजह आप टटोलेंगे और करेंगे कभी फुर्सत मिलने पर, तकिए पे सर रख कर नींद आने से पहले जब गौर करेंगे तो इंसान को पता चलेगा कि हमारी वीकनेस, हमारा कमजोर तकवा है। लेकिन हमें उस तरीके से खौफ खुदा हमने दिल में नहीं बसाया जैसा बसाने का हक है। तो कम से कम इंसान 20 मरतबा मौत को याद करे ताकि इंसान अपने को गुनाहों से बाज रखे। और याद रखे कि इंसान की जिंदगी का हर गुजरता हुआ लम्हा उसे एक लम्हा अपनी मौत से करीब कर रहा है। अगर किसी की 100 साल उम्र है, एक घंटा गुजर रहा है, तो उस 100 साल में से एक घंटा उसका कम हो रहा है। यानी ये एक घंटा इंसान को अपनी मौत की जानिब एक कदम आगे बढ़ा रहा है। ना हर गुजरता हुआ लम्हा इंसान के लिए मौत से क़ुर्बत, मौत से करीब होने का सबब है। हम लोग समझते हैं कि आमतौर से सभी के जहन में है कि चलो जियो सिम निकल चुका है, वो डेटा को या फ्री देता है ऑफर पे, है ना, या सस्ते में सिर्फ 349 रुपीस में 28 डेज के लिए रोजाना 3 GB आ जाएगा, तो बहुत, यानी
90 जीबी हम लोग महाना इस्तेमाल कर सकते हैं इतने कम पैसों में। कभी कभी ऑफर इससे भी बढ़कर आता है, मसलन जियो सिम से जियो सिम पे फोन करेंगे तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। जियो ऐप आप करें डाउनलोड करेंगे तो उससे सारे मैच फ्री में देख सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये सब कुछ फ्री है, नहीं, बल्कि हम एक बहुत बड़ा उम्र का खजाना उसके पीछे खर्च कर रहे होते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हमारा गुजरा हुआ एक घंटा हम $1,00,000 में भी वापस ला सकते हैं? अगर हमारा गुजर जाता है एक घंटा, एक दिन, कल जो हमारा दिन गुजर गया, $1,00,000 में भी आप क्या उस एक दिन को वापस ला सकते हैं? किसी की मजाल नहीं है, है ना। हम समझते हैं कि फ्री में मिल रहा है तो हम मजाहिया फिल्म देख के, हम लॉफ्टर चैनल देख के हंसी मजाक टाइम पास करने के लिए देख लेंगे, मैच देख लेंगे, रात खास्ता फिल्में देख लेंगे ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। क्यों? इसलिए कि हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री में आपको डेटा मिल रहा है, लेकिन आपकी कीमती उम्र ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कीमती हीरे जवाहरात देकर कोयला खरीद रहे हैं, कोलसे खरीद रहे हैं। किसी की अकल इस बात को कबूल करती है कि हम एक कीमती हीरा किसी के हवाले कर दें बदले में एक कोयला उससे ले लें? कोई है अकलमंद इंसान इस बात को कबूल करे? किसी की अकल कबूल नहीं करती, लेकिन क्यों हम, है ना, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त सर्व कर रहे हैं बदले में गुनाहों को खरीद रहे हैं, बदले में बुराइयों को खरीद रहे हैं, बदले में नेकियों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी उम्र के कीमती हिस्से को हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये हमें फ्री मिल रहा है ना। तो ये फ्री नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारी जो कीमती जिंदगी हमसे कम हो रही है वो इतनी बड़ी दौलत है कि कभी वापस आने वाली नहीं है। मगर नेक लोग जो होंगे वो क्या, हमेशा जिंदगी में वो नेक ही काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। अगर वो नेक काम करते करते थक जाएंगे तब भी क्या है, वो तस्बीह में मशगूल हो जाएंगे, तहलील में मशगूल हो जाएंगे, मरहूमीन के लिए सूरे वगैरह पढ़ने में मशगूल हो जाएंगे, लेकिन अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ये अइमा अलैहिस्सलाम की या अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कितने ऐसे बंदगाने खुदा, खास से खुदा ऐसे हैं कि जो अपना जिंदगी का एक वक्त, एक लम्हा भी जो है वो बेकार सर्फ नहीं करते। ऐसे बहुत से उलमा और मुफक्किरीन गुजरे हैं जिनकी निगाहों में वक्त की अहमियत थी, तो उन्होंने एक एक लम्हे से फायदा उठाया, लेकिन फिर भी जब वो दुनिया से जाने लगे तो अफसोस करते रहे। आपने यकीनन नाम सुना है आयतुल्लाह गुजरी का, मासूम कुन का रोजा जहाँ पर है कुमुल मुकद्दस में, उसके पास ही मस्जिद आजम एक अजीम इबादतगाह है। मस्जिद आजम जैसी मस्जिद बहुत कम ही लोगों को मुकद्दर होता है कि इंसान वहां जाए। एटलीस्ट कम से कम 6,000 स्टूडेंट्स रोजाना वहां से दर्स हासिल करते हैं। उसकी ज्यादा की तो तादाद में बयान नहीं कर सकता कितने हैं, मिनिमम जो सबसे बड़ा बड़े लेवल का दर्स जिसे दर्स से खारिज कहा जाता है, यानी जो लोग मुज्तहिद बनने से पहले दर्स हासिल करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ 6,000 रोजाना वहाँ से रफ्त आमद होती है, गुजर होती है। इतनी अजीम कितने मदरसे उन्होंने कायम किए, कितने मसाजिद की उन्होंने तामीर की, कितने फकरा और मसाकीन की मदद की, लेकिन जब वो दुनिया से जा रहे थे तो अपने शागिर्दों से ये कहा कि मैं खाली हाथ खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, खुदा को क्या हूँ दिखाऊँ। तालिब इल्मों ने कहा कि आप इतनी बड़ी मस्जिद, मस्जिद आजम नाम ही मस्जिद आजम है, मासूम कुन के जवान में इतने शागिर्दों की तरबियत, 1, 2, 10, 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में,
क्या उन्होंने शागिर्दों की तरबियत ये कब काम आएगा आपके? तो उन्होंने कहा पता नहीं, मैंने उसमें इखलास से वो काम जो खुदा को पसंद आ जाए वो किया है या नहीं, मुझे इस बात का खौफ है। मस्जिद तो मैंने बनवाई है लेकिन क्या मालूम कि मेरे अंदर उसमें इखलास था या नहीं। हो सकता है कभी एक लम्हे के लिए ही सही लोगों की तारीफ सुनने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, कभी मेरे नाम की खातिर कि मस्जिद बनवाई है तो बोर्ड में एक नाम आ जाएगा कि आयतुल्लाह रुजवी ने इस मस्जिद की तामीर करवाई है, तो पता नहीं ये देखकर मेरा इखलास जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं। तो इतने बड़े कारनामे अंजाम देने के बावजूद भी अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी उन्होंने बेकार नहीं गुजारा, लेकिन वक्त आखिर अफसोस करते हुए दुनिया से गए कि मैं खुदा की बारगाह में खाली हाथ जा रहा हूँ। अगर हमारी नमाजें पे नमाजें कज़ा होती जाएँ, रोज़े पे रोज़े कज़ा होते जाएँ, हमें एहसास ना हो और हम फिर भी ये फख्र करें कि हम जाएंगे तो हमारा कोई पूछने वाला नहीं होगा, फरिश्ते पूछेंगे तो हम फरिश्तों को ही डरा देंगे, फरिश्तों को ही धमका देंगे, ये हमारे तसव्वुरात है ना। हम वहाँ अली अली कर देंगे फरिश्ते भाग जाएंगे, अली अली कहने से नहीं, अली वाला बन के जाने से फरिश्ते भाग जाएंगे, अली के किरदार को अपनाने से है ना फरिश्तों पे हम अपना रोब जमा सकते हैं, वरना जबान से कह देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारा तसव्वुर है। तो बहरहाल कहीं पर भी इंसान को किसी भी जगह पर हो अगर उसे मौत का तसव्वुर आता है तो वो यकीनन अपने आप को गुनाहों से बचा सकता है। लिहाजा पैगंबर की हदीस, पैगंबर की रिवायत ये कि चालाक मोमिन, होशियार मोमिन, अक्लमंद इंसान वही है जो रोजाना कम से कम 20 मरतबा उठते बैठते वो मौत को याद करे। सूरह तलाक की इब्तदाई आयतों में से एक आयत की तिलावत हमने की है, अलबत्ता दूसरी आयत का एक फितरा और तीसरी आयत का एक फितरा हमने मुंतखब किया है कि वमैयत तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है ये तकवे का फ़ायदा है, तकवे का असर है जो खुदावंद आलम बयान कर रहा है कि वमैयत तकिल्लाह, जो भी इंसान खौफ खुदा को अपने दिल में बसाए, अल्लाह का डर अपने दिल में बिठा ले, तो यजअल लहु मखरजा, खुदावंद आलम उसे मुश्किल से निकलने का एक रास्ता उसके लिए फराहम कर देता है। दुनिया वाले तमाम रास्ते बंद कर दें लेकिन खुदा उसके लिए रास्ता खोल देता है। नांचे तारीख में मिलता है कि एक बादशाह ने एक बेगुनाह मोमिन को कैद किया था, किसी से कुछ सुन लिया कि ये फलां ऐसा आदमी है, तो बगैर किसी तहकीक के उस बादशाह ने उस बेगुनाह मुत्तकी मोमिन परहेजगार को कैद कर लिया। जब वो कैद कर लिया लोग जाते थे सिफारिश के लिए, मालूम है ना कि ये नमाजी है बेचारा, ये परहेजगार है, ये मस्जिद में दिखाई देता है, ये मजालिस में शिरकत करता है, तो लोग जाके बादशाह से बोलते थे कि ये उस किस्म का आदमी नहीं है, नेक है, परहेजगार है, इसे रिहा कर दो, तुमने एक बेगुनाह आदमी को कैद किया है। लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था, बादशाह है उसे अपना पावर बताना है। लेकिन एक मरतबा खुद वो बादशाह जब सो जाता है तो ख्वाब में देखता है कि कोई एक बुजुर्ग ना जैसे कोई पैगंबर हो या औलिया हो, इनमें से एक कह रहा है कि तूने एक बेगुनाह को कैद किया है, अभी इसी वक्त उसे आज़ाद कर दे वरना तेरी हुकूमत डगमगा जाएगी, तेरी हुकूमत बर्बाद हो जाएगी। फौरन ख्वाब से उठता है, उसी वक्त रहाई का हुक्म देता है। अब जब वो रिहा होके निकलना चाहता है तो बादशाह उससे पूछता है कि बताओ मैंने बेगुनाह तुम्हें यहाँ कैद कर लिया, उसके बदले में मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, कोई भी हाजत हो तो मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारी हाजत को पूरा करूँगा। तो वो कहता है कि जब मेरे पास खुदा इतना कादिर है कि जो रात को जगा के मेरी रिहाई का सामान फराहम कर सकता है तो मैं तुझ जैसे से क्यों मांगूं, मैं तुझ जैसे से क्यों तलब करूं जो मजबूर है कमजोर है ना। मेरे पास तो पूरे बादशाहों का बादशाह खुदा जैसी जात मेरे पास है,
न तो खुदा उन पर आदम तकवे के नतीजे में कोई भी दुनिया वाले किसी भी तरीके से रास्ता बंद कर दें, खुदा उन पर आदम उसके लिए रास्ता खोल देता है। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, तकवे के नतीजे में खुदा उन पर आदम उसे जो रोजी देता है ऐसी जगह से रोजी उसके लिए फराहम करता है, ऐसी जगह से उसके रिस्क का इंतजाम करता है कि जहां से इंसान गुमान भी नहीं करता ना। बाज़ वक्त हमारा भी ये तसव्वुर है, कभी कभी हम लोग भी ये सोचते हैं कि आज 500 रुपये मिल गए तो काफ़ी है, आज हम अपना रोज़ गुजार लेंगे, क्यों हम खामखा परेशान हों। इत्तेफाक से भी ये सोच रहे होते हैं कहीं से 500 रुपये मिल जाते हैं तो शुक्रिया बचा लाने की वजह, हम लोग क्या कहते हैं, ओ मंगे तो मंगे बल्ला का मुँह लेना था ना, ये हमारा तसव्वुर होता है। सही, जो मिल गया उस पर शुक्रिया हम अदा नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि 500 मंगे मिल गया, इससे ज्यादा भी मांगते तो हम मिल जाता हमें, है ना। ये नहीं है, बल्कि क्या मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से इंसान गुमान भी नहीं करता। चुनांचे एक हसास दास्तान है, बहुत खूबसूरत दास्तान है हजरत मूसा पैगंबर की, कि मलकुल मौत जनाब मूसा के पास आए तो हजरत मूसा ने कहा मलकुल मौत क्यों आए हो? मलकुल मौत ने कहा मेरे आने का मतलब तो तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों आता हूँ, है ना, वही लाना तो मेरा काम नहीं है, रिस्क पहुँचाना तो मेरा काम नहीं है, मैं आया हूँ तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चों से मुलाकात कर लूँ, अपनी जोजा से मुलाकात कर लूँ, खुदा हाफिजी कर लूँ। पता नहीं क्या एक पैगंबर की बात थी, तो मलकुल मौत ने थोड़ी सी मोहलत दी, गए अपने बीवी बच्चों से मिल के, वो वापस आ रहे थे तो एक छोटी बच्ची गिरिया कर रही थी कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, हम सबको तनहा छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं। हजरत मूसा का दिल भर आया तो आवाज दी परवरदिगार, चूंकि कलीमुल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे, कहा परवरदिगार क्या कुछ दिन और मेरे लिए फुर्सत नहीं मिल सकती कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा, इनकी रिस्क और रोजी का क्या होगा। तो एक पत्थर हजरत मूसा के पास पड़ा हुआ था, एक बड़ा पत्थर, तो आवाज कुदरत आई, ए मूसा इस पत्थर को तोड़ो। जब हजरत मूसा ने बड़े से पत्थर को तोड़ा तो क्या देखा कि एक छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में सब्ज पत्ता है, है ना, पत्थर के अंदर। अब वो कहां से सुराख थी, कैसे वो पत्ता वहां तक पहुंचा, ये इंसान के लिए काबिले गौर बात है। अब कहा मूसा क्या देख रहे हो, कहा परवरदिगार हैरत कर देने वाली बात को मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ। कहा देख क्या रहे हो, कहा मैं देख रहा हूँ कि पत्थर के अंदर दरमियाने पत्थर में एक छोटा सा कीड़ा एक ताजा सा हरा सा पत्ता अपने मुंह में लिए जा रहा है। तो मूसा के लिए आवाज कुदरत आई, ऐ मूसा तुम अपनी बच्ची के लिए जिसके लिए परेशान हो, देखो मैं तो इतना करीब हूँ कि पत्थर के अंदर मौजूद एक कीड़े को भी मैं नहीं बुलाता तो तुम्हारी बेटी को कहाँ से बुला दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मैं कहाँ से बुला दूंगा, मेरे खास बंदों को मैं कैसे बुला सकता हूँ। मिन हैसु ला यहतसिब, बस शर्त यह है कि इंसान तकवा इख्तियार करे तो तकवे के नतीजे में वहां से उसके रिस्क रोजी का इंतजाम खुदावंद आलम कर देता है कि जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। सलावत पढ़ो कम आने वाली अजीम मुनासिबत दरपेश है, 17 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार, बहुत बड़ी आलम इस्लाम आलम तशय्यो की एक मुनासिबत दरपेश है, आने वाली है, जिसमें दो मासूम हस्तियों की विरासत की तारीफ है, पैगंबर तकदीम मनवत अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि और छठे इमाम इमाम जाफर सादिक विलादत की तारीख है। बहुत ही अजीम दिन, जिसे आमतौर से हम लोग जब जश्न मनाते हैं
दो साध्यकों की विलादत की तारीख है। तो भाई अब जो बातें हमें करना होगा इंशाल्लाह जश्न और महफिल के मौके पर सामेईन की खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन आज चूँकि अब मुनासिबत है और ज़रूरी नहीं कि जो दूर दूर से रोज़े जुमा में यहाँ नमाज जुमा में शिरकत करते हैं वो जश्न में भी शिरकत करें, इसलिए अब हमारी ज़िंदगी का पूरा स्टाइल पूरा वतीरा बदल चुका है। क्यों? इसलिए कि रिवायात ये कहती हैं कि अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब की मजलिस तुम करना चाहते हो तो शबे जुमा से लेकर असर जुमा तक करो। क्यों? इसलिए कि उसमें सवाब डबल नहीं ट्रिपल नहीं सौ बराबर सैकड़ों बराबर सवाब हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं नहीं ये नहीं, चूँकि इतवार को हम लोग फ्री होते हैं कोई काम नहीं होता इसलिए हम इतवार को रखेंगे, अब्बा का चहलुम इतवार को रखेंगे। क्यों? इसलिए कि लोग थोड़े से आ जाएंगे, है ना। तो हमारा पूरा स्टाइल तकरीबन बदल ही चुका है, यहाँ तो फिर भी बेहतर है। कितनी ऐसी जगह है कि विलादत चाहे किसी भी दिन हो लेकिन वो जश्न संडे को मनाते हैं, है ना। ये भी ऐसे भी हालात आप देख रहे हैं, पता नहीं खुदा ना करे कि ये हालात हमारे यहाँ पेश आ जाएं। कम से कम बस ये कि मोमिनीन सब के सब शिरकत नहीं करते तो मैं तबर्रुकन आज ही उनको ज़िक्र सादिकैन के हवाले से थोड़ा सा सवाब में शरीक कर लेना चाहता हूँ। देखिए पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा पर हमें नज़र डालना है, तो पैगंबर इस्लाम की सीरत देखें कि पैगंबर इस्लाम जब जंग तबूक एक जंग है इस्लाम की वहाँ से वापस आ रहे थे तो साद अंसारी पैगंबर इस्लाम के चाहने वालों में से हैं मुहिब्बान रसूल खुदा में से हैं, जब ये जंग से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनसे मुलाकात हो रही है, इसलिए कि साद अंसारी को भी पता चलता है कि रसूल इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो साद अंसारी पैगंबर की खिदमत में आते हैं। तो वो पैगंबर कि जिसका बोसा लेने के लिए पूरी दुनिया तो दूर अनबिया तड़पते हैं, दूसरे अनबिया पैगंबर के हाथों का बोसा लेने के लिए इंतजार करते हैं, फरिश्तों का इंतजार है कि कब वो मौका मिल जाए कि पैगंबर के हाथों का बोसा लें। इतनी अजीम जात है ना, पैगंबर मामूली हस्ती थोड़ी ना थी, जब पैगंबर वजू करते थे तो सहाबा खड़े हो जाते थे बर्तन लेके और सहाबा कहते कि हमारे बर्तन में आप वजू कर दीजिए, जो पानी आपके वजू करने के बाद गिरेगा वो हमारे लिए शिफा का सबब होगा। ले जाते अपने घर के दरो दीवार में पानी उछालते थे ताकि बरकत आ जाए, मरीजों में वो पानी डाल देते तो मरीजों को शिफा मिल जाती। इतनी अजीम ज़ात पैगंबर की ज़ात। जब वो जंग तबूक से आ रहे थे तो साद अंसारी जो मामूली सा एक मजदूर पैगंबर उसके हाथों का बोसा लेते हैं, अस्हाब को ताजुब हुआ, कहा या रसूल अल्लाह आप इनके हाथों का बोसा ले रहे हैं, कहा तुम्हें नहीं मालूम कि ये कितना अजीम शख्स है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि साद अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा भी बहुत शौक था कि मैं भी आपके साथ जंग में शिरकत करूं जंग तबूक में, लेकिन मसला ये कि कुछ परेशानियां थी, अपने घर वालों के लिए रिस्क और रोजी की तलाश करना था, मेरे अलावा कोई और नहीं था तो मैं पहुंच नहीं सका। पैगंबर ने कहा तुम जो ये काम कर रहे हो हलाल और रोजी के लिए ये भी किसी जहाज से कम नहीं है। पैगंबर आगे बढ़ते हैं उसके हाथों का बोसा लेते हैं, जब हाथों का बोसा ले रहे होते हैं तो काम कर करके हाथ जो है बहुत रफ हो गए थे, हाथों में कुदरापन आ गया था, तो पैगंबर ने कहा ये तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हो गए, तो कहता है कि या रसूलल्लाह मैं क्या करूं 24 घंटों में से अक्सर वक्त मेरा अपने हाथ में फौड़ा सब्बल लेकर ही ये वक्त गुजरता है हलाल रोजी के लिए। तो पैगंबर की आंखों से आंसू निकल गए और कहा कि आज मैं तुम्हारे जन्नत की जमानत लेता हूँ, तुम्हारे इन हाथों का बोसा लेकर मैं ये गवाही देता हूँ कि खुदा बंद आलम तुम्हारे इन हाथों पर जहन्नम की आग को हराम करा देगा। क्यों? इसलिए कि तुम हलाल रोजी के लिए निकल रहे हो, हलाल रोजी अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, तो इससे बड़ा जहाद और क्या हो सकता है। तो ये पैगंबर की सीरत है।
और एक भी बहरहाल दास्तान थी, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। बस एक रिवायत पैगंबर इस्लाम शबे मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं कि शबे मेराज में मैं किसी भी ऐसी जगह से नहीं गुजरा मगर ये कि जहाँ से भी गुजरा वहाँ अली के फजाइल को मैं सुनता रहा। अल्लाह पैगंबर फरमा रहे हैं, पैगंबर फरमाते हैं कि जब मैं पहले अर्श पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फरिश्तों और मलाइका का एक हुजूम है, एक जमे गफीर है। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल क्या बात है, इतने लोग कौन हैं? तो पैगंबर इस्लाम से कहा है अल्लाह के रसूल आप मेरे साथ चलिए, खुद ही चल कर देख लीजिए। पैगंबर गए तो फरिश्तों ने पैगंबर का भी इस्तकबाल किया, गए तो क्या देखा कि दरमियान में मौलाए कायनात की शक्ल का एक फरिश्ता है। पैगंबर ने कहा कि ए जिब्राइल क्या मेरा भाई अली मुझसे पहले आसमान अव्वल में आ गया? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये अली नहीं है बल्कि अल्लाह ने जब अली को रुए जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने ख्वाहिश की कि परवरदिगार हम भी अली के चेहरे को देखकर इबादत का सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने अली की शक्ल में एक फरिश्ते को पैदा किया। लोग अली को देखने की इबादत का, फरिश्तों को अली के चेहरे को देखने का सवाब मिलता है। तो पैगंबर इस्लाम पूछते हैं ए जिब्राइल फरिश्तों को तो सवाब की जरूरत नहीं है, वो अली के चेहरे को देखकर सवाब क्यों हासिल करना चाहते हैं? तो जिब्राइल ने खूबसूरत जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह ये अपने लिए सवाब हासिल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये अली के चेहरे को देखने का सवाब हासिल इसलिए कर रहे हैं कि आपकी उम्मत के गुनाहगारों को वो सवाब हदिया करें, है ना। फिर इसी तरीके से दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, यहाँ तक के सातों आसमान में जब भी पैगंबर दाखिल होते थे हर आसमान में तो अली मौला अली की शक्ल में फरिश्ते को देखते थे, अतराफ में लोग ज़ियारत कर रहे हैं। तो जब आखिरी आसमान में पहुंचे तब जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह बस अब एक बात जो मैंने अपने परवरदिगार से मौला अली के हवाले से सुना है वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूँ। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा जिब्राइल जल्दी करो बयान करो कि क्या तुमने अल्लाह से सुना है? तो जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि आपकी उम्मत का हर एक शख्स अली को मान लेता तो खुदावंद आलम ये कह रहा है कि मैं जहन्नम को खल्क ही ना करता, जहन्नम ही को पैदा ना करता। बस मसला क्या है, जहन्नम पैदा ही की गई है अली के दुश्मनों के लिए, है ना, गुनाहगारों के लिए। बहरहाल तो ये भी एक फजीलत का रुख था। और एक दास्तान छठे इमाम के हवाले से तबरुकन आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और ये वो दास्तान है कि हर साल कम अज कम मैं छठे इमाम की विलादत या शहादत के मौके पर एक बार ज़रूर बयान करता हूँ ताकि ये हमारे लिए इबरत बन जाए, इसलिए कि हम दावे करने में तो सबसे आगे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे हम करते हैं लेकिन अमल के मैदान में अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम बहुत पीछे हैं। तो ये दास्तान मैं खुद अपने ज़मीर को झिझोड़ने के लिए, फिर आप लोगों के दिलों को बेदार करने के लिए ये दास्तान नकल कर रहा हूँ। बड़ी हसास दास्तान है। सहले खुरासानी रावी हैं, ये कहते हैं कि मैं खुरासान से निकला छठे इमाम की मुलाकात के लिए, इमाम से मुलाकात हुई तो सलाम और कलाम के बाद मैंने छठे इमाम से कहा कि ए फरजंदे रसूल आपसे एक गिला शिकवा है। कहा बोलो क्या गिला शिकवा है? कहा गिला शिकवा ये है कि दुश्मन हर जगह मुसल्लत है, हाकिम है, और आप हैं कि जो है क़याम नहीं करते, आवाज़ बुलंद नहीं करते। कहा मैं किस भरोसे पे आवाज़ बुलंद करूं? तो वो मर्द खुरासानी कहता है कि खुद खुरासान और अतराफ में 1,00,000 आपके चाहने वाले हैं, अगर आप हुक्म दें तो सबको एक लश्कर की शक्ल में तैयार करूंगा और आपके पास हाजिर कर दूंगा। इतना बड़ा लश्कर तैयार हो सकता है फिर भी आप क़याम नहीं करते? इमाम ने कहा अच्छा। तो फिर एक मरतबा इमाम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि ए गुलाम तनूर रोशन करो, चूल्हा जला दो, जो अंदर एक जमीन के अंदर चूल्हा होता था उससे आग निकलती थी तो ऊपर गर्म की वजह से रोटी वगैरह बनाई जाती थी,
तो तनूर बहुत बड़ा चूल्हा रोशन करो जलाओ। जब उसे जला दिया गया तो छठे इमाम ने हुक्म दिया है साहले खुरासानी, क्या तुम वाकई हमसे मोहब्बत करते हो, हमसे इताअत करते हो, हमारी इताअत करते हो? कहा है फ़ज़ल रसूल, बेशक हम आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, अगर वाकई मानों में सच्चे हो तो जाओ इस तंदूर में कूद जाओ। अरे तंदूर के करीब गया तो देखा आग भड़क रही है इतनी के दूर ही से हरारत महसूस हो रही है। अल्लाह को देखिए, अब हम जो दावा करते हैं, हम किस मेयार की मोहब्बत रखते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो फौरन वापस आ जाता है, कहता है मौला मैं कह रहा हूँ आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं तनूर में गिर जाऊँ। इतने में हारून मक्की दाखिल हुए, तो हारून मक्की सलाम करते हैं तो बगैर किसी सवाल और जवाब के इमाम कहते हैं हारून मक्की अपनी जूतियों को उतार दो, नंगे पैर तनूर में दाखिल हो जाओ। तो हारून मक्की बगैर सोचे समझे तनूर में दाखिल हो जाते हैं। तो अब इमाम उस साहले खुरासानी मर्द खुरासानी से गुफ्तगू में मशगूल हैं, इमाम सारे हालात को खुरासान के बयान कर रहे हैं कि देखो वहाँ फाइनेंशियली क्या मुश्किलात हैं, वहाँ इकोनॉमिकली कौन सी परेशानियाँ हैं, वहाँ किशावर्जी यानी खेती बाड़ी किस अंदाज में चल रही है। तो वो मर्द खुरासानी को खुद ताजुब हो रहा है कि मैंने कभी छठे इमाम को खुरासान आते हुए नहीं देखा, लेकिन खुरासान के हालात को मुझसे बेहतर बयान कर रहे हैं, है ना, ये बयान कर रहे हैं। इतनी तवील गुफ्तगू हुई, तो वो साहले खुरासानी एक तरफ इमाम की बातों को भी सुन रहा है, दूसरी तरफ ये भी तसव्वुर कर रहा है कि अब तो हारून मक्की का काम खत्म हो चुका होगा, उसकी हड्डियां भी जल चुकी होंगी, उसका गोश्त और पोस्त सब कुछ जल चुका होगा, वो कुछ बचेगा नहीं, है ना। सारी गुफ्तगू के बाद इमाम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि तनूर का दहाना खोलो। जब ढक्कन हटाया गया तो अपने साथ साहले खुरासानी को लेकर गए, और साहले खुरासानी को लेकर जाने के बाद कहते हैं कि देख अब इसकी हालत क्या है। तो वो साहले खुरासानी कहता है कि मैंने देखा जिस तरीके से आदमी तशहुद में बैठता है, उस हालत में बैठे हुए हारून मक्की आग जल रही है लेकिन तस्बीह परवरदिगार में मशगूल है, आग उसे नहीं जलाती है ना, आग उसे नहीं जलाती। तब इमाम ने पलट कर कहा ए साहले खुरासानी, ये बताओ तुम जो कह रहे हो कि 1,00,000 हमारे चाहने वाले हैं, लश्कर तैयार हो सकता है, ये बताओ कि हारून मक्की जैसे कितने लोग हैं? तो वो सर झुका के कहता है मौला 1,00,000 में से एक भी नहीं है। वो कहां, चार बारिश की छींटे आ जाती हैं तो हम मस्जिद में नहीं आते, चार छींटे आ जाती हैं तो हम महफिल छोड़ देते हैं, नमाज जमात में शरीक नहीं करते, क्यों थोड़ा सा हम भीग गए तो हम ड्यूटी में नहीं जा सकते, है ना, जो चार बारिश के कतरे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुश्मन के तीरों पर क्या नमाज हम पढ़ेंगे, है ना। तो दावा तो हमारा बहुत बड़ा होता है मर्द खुरासानी, है ना। अभी देखिए जवाब कितना अच्छा है, तो वो कहता है मौला इतनी देर आग ने उसे नहीं जलाया, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। कहा ताज्जुब ना करो, जाओ खुद हारून मक्की से तुम सवाल कर दो कि आग ने तुम्हें क्यों नहीं जलाया। तो ये जाता है और कहता है हारून मक्की क्या तुम्हें जरा बराबर भी खौफ नहीं हुआ कि आग में फेंके जाने का हुक्म हो रहा था और तुम बगैर सोचे समझे आग में चले गए, तुम्हें क्या डर नहीं लगा कि आग जला भी सकती है? तो ईमान हो तो ऐसा, अकीदा हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत, है ना। तो हारून मक्की कहता है कि ए साहले खुरासानी, ये आग में जाने से तुम परेशान हो कि इस आग में मैं कहीं जल ना जाऊं, याद रख लो कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में इतना दम है कि वो जहन्नम की आग नहीं जला सकती तो दुनिया की आग क्या जलाती है। क्या हमारा भी यही मोहब्बत का मेयार है? जरा सोचें, फिर हम दावा करें कि हम, है ना, रोजाना अल्लाहुम्मा कुल्ले पढ़ के इमाम को बुला रहे हैं, इमाम नहीं आ रहे। तो इमाम हारून मक्की जैसे उसके बाद साहल की तरफ मुतवज्जे होकर इमाम कहते हैं साहले खुरासानी, देखो 1,00,000 नहीं, अगर अगर ऐसे चाहने वाले जैसे हारून मक्की है उसकी तरफ इशारा करके बयान करते हैं कि अगर 5 भी मिल जाएं तो सबसे पहले कियाम करने वाला जाफर सादिक होगा। पांच भी मिल जाएं तो क्या है, मैं कियाम करूंगा दुश्मन के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा।
लेकिन हारून मक्की जैसे बांध भी हुए जमीन पर नहीं है। हम लोग भी ये कहते हैं कि देखो इतनी जगह इतना बड़ा लश्कर है, 313 इमाम जमाना को चाहिए लेकिन इमाम नहीं आते, क्या 313 भी नहीं है? 313 भी हारून मक्की जैसे बड़ा मुश्किल मरहला है। हम अपने आप को झिझोड़े, अपने आप को देखें, फिर हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं कि क्यों वहां इतने पाक मोमिनीन है ना 6 करोड़ ईरान में है, वहां क्या नहीं है 313? नहीं भाई, बड़ा मुश्किल मरहला है खुसूसन इस दौर में। तो हम अपने आप को संवारें, अपने आप को, तो इसके लिए क्या है, बेहतरीन चीज तक्वा है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में बिठाना है, लोगों के बोझ और कीने को हमारे दिलों से निकालना है, नफरतों कदूरतों को बात करना है ताकि खूबियां हमारे दिलों में आ जाएं, तब हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जो जज्बा हारून मक्की के अंदर था। हम दिलों से नफरत निकालने के लिए तैयार नहीं है और बड़े बड़े दावा करने के लिए हम लोग चलते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही खतरनाक और हसास वाकया है जो जमीरों को झिंझोड़ने के लिए है। बस दामन मुफ्त में गुंजाइश नहीं है, बातें बहुत थी। और एक बात, अगली बात जो आपके सामने मैं बयान करना चाहूँगा वो ये कि हेगड़े नगर का कब्रस्तान आपको मालूम है, हाँ मालूम है कि जानते हैं ना जी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सब वहाँ चले जाए ना, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, बल्कि हमारा ये है कि बहरहाल कब्रस्तान इस वक्त जो खूबसूरत और हसीन मंजर लिए हुए है, वाकई इंसान जाएगा देखेगा तो तबीयत उसकी खुश हो जाएगी। तो वहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, सरसब्ज और शादाब इलाका है। बहरहाल वहाँ के खादिम भी मेहनत कर रहे हैं, अंजुमन वाले की अराकीन भी, जो भी बहरहाल उसके पीछे लगे हुए हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अब एक परेशानी वहाँ पेश आई है, सब गौर से सुने कि क्या परेशानी है ना। बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, एक सिंपल सी परेशानी है, वो ये कि कब्रिस्तान में 2 बोरवेल थे, इत्तेफाक से कई दिनों से वो दोनों खराब हैं। तो पानी के टैंक मंगवा के दरख्तों को पानी दिया जा रहा है, तो ये काम तो 1-2 दिन का नहीं है, हमेशा का है। इसलिए अब इन दोनों बोरवेल के रिपेयर, इस वक्त ये मसला पेश आया है। तो इसका खर्च मैकेनिक को बुला के जो अंदाज़ा लगाया गया है तकरीबन 20,000 रुपये का है। तो आपसे गुजारिश है कि जो मोमिनीन जितना भी कर सकते हैं, देखिए ये ना सोचें कि हमारे मरहूमीन वहाँ नहीं हैं तो क्या फ़ायदा, नहीं, बल्कि नेकी यही है हकीकत में, खैरात तो वही है कि जो इंसान अपने लिए नहीं दूसरों को, वो मौलाए कायनात का मशहूर फरमान है। मौलाए कायनात से सवाल किया गया कि मौला इंसान और हैवान में फ़र्क क्या है, तो मौलाए कायनात ने कहा बहुत सारे फ़र्क हैं, एक फ़र्क ये है कि हैवान सिर्फ अपनी फिक्र करता है, इंसान अपने अलावा दूसरों की भी फिक्र करता है ना। तो ये ना सोचें कि हमारे मरहूमीन नहीं हैं, बल्कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा, कोई एक ही आदमी तैयार हो जाता है तो इतना अच्छा है, अगर 2-4 आदमी 5 आदमी भी मिलकर तैयार हो जाते हैं और ये बोरवेल को ठीक कर देते हैं तो एक एक कतरा जो दरख्त को मिलता है कयामत के दिन वो दरख्त भी हमारी शफाअत करेगा और वो पानी भी हमारी शफाअत करेगा। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी दरमियान नमाज अंजुमन के अराकीन और साहब वगैरह पैसा आपसे वसूल करेंगे, आप आज लिखवा के अगले हफ्ते भी दें अगर कोई लेकर नहीं आया है तो। और आजकल तो सिस्टम है गूगल पे वगैरह का, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज ही ये मसला हल हो जाना चाहिए, फिर ये अगले हफ्ते तक ना जाए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दीनियात के हवाले से भी मुफसल गुफ्तगू करना था, दामन वक्त में बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो मैं इस मसले को अगले खुतबे के लिए करता हूँ, इसलिए कि काफ़ी तफसील उसके लिए दरकार है, तकरीबन 15 मिनट उसके लिए चाहिए। अब मैं लूँगा तो हम फजीलत के वक्त से महरूम हो जाएंगे। ज़रूर अगले वक्त, अगले हफ्ता आप पहले ही से आमादा होकर आएँ कि हमें दीनियात के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। खुदाया मुहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारी नए प्रोफ़ेसर में इजाफा फरमाओ, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाओ, हमारे और हमारे वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़रत फरमाओ, हमारे मरहूमीन के गुनाहों की मग़फ़रत फरमाओ। आइंदा
اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، میری آخری حجت امام زمانہ کی زبردست تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعضاء و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر في المشامع فهو لا وتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قبرستان کے لیے پیسہ جو دینا چاہتے ہیں، گھر میں اگر آپ نے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے یا اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی جو جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی اس کے لیے خرچ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب صدقہ ان کاموں میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الطاهرون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المزدهرون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسرور ميلان عرضه ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، على اهل بيته الاطيبين الاطهرين المعصومين المقربين المحبين المكرمين سيما امير المؤمنين امام المتقين يعصب الدين علي ابن ابي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجمعين، اللهم صل على وهداة المهديين وحماة المؤمنين سيما علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن الطائب المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.